आज मैं एक ऐसे फिल्म स्टूडियो को विजिट करने आया हूँ जो सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का भी नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। भाई बाहुबली का ये वाला सीन तो कोई नहीं भूल सकता। यहाँ पे लोग देवसेना की एक्टिंग कर रहे हैं, अभी वो जेल में चले गए। देखो भाई, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं यहाँ कब और कैसे पहुँचा। तो अगर आपने मेरा K2K का सफर देखा है तो आपको पता होगा कि मैं सफर के दौरान बीमार पड़ गया था, जिसके कारण मुझे हैदराबाद में कुछ दिनों का ब्रेक लेना पड़ा था। तो जब मेरी तबीयत सही हो जाता है तो मैं एक दिन का और ब्रेक लेकर हैदराबाद में मस्ती करने का मन बनाता हूँ। अब देखो, कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा करना तो बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं आ जाता हूँ पेट पूजा करने। अभी मैंने इडली ऑर्डर किया है भाई, मैं सोच रहा था इडली खा के देखता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा ऑर्डर बड़ा। बड़ा भी मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। पेट पूजा करके वापस मैं होटल आ जाता हूँ। ब्रेकफास्ट भी हो गया भाई, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। खाने के बाद तो काफी अच्छा लगता है इंसान को। भाई ये दवाई ने बहुत असर किया यार, मतलब मैं 90% ठीक हो गया हूँ, बचा है मात्र 10%। ये सर्दी नहीं जा रहा है और थोड़ी बड़ी इंटरनल फीवर है, तो मुझे लगता है वो थकावट की वजह से है। ये रात को मैंने दवाई खाना ही भूल गया था। देखो 3 बच रहा है, बाकी सब में 1 बच रहा है। दवाई खाकर फाइनली मैं निकल पड़ता हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो को विजिट करने। जी अभी ऑटो लेकर हम जा रहे हैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, वहाँ से बोल रहे कि वहाँ से ना मेट्रो मिल जाएगी मेरे को राजा माली फिल्म सिटी सेंटर के लिए। पब्लिक प्लेस में जब आप ब्लॉग करते हो तो लोग ऐसे आपको घूर के देखते हैं जैसे मानो आपने अपने दोस्त से अपना उधार पैसा मांग लिया हो। मतलब आजकल का ट्रेंड चल चुका है बीटेक चाय वाला, बीटेक पानीपुरी वाला, बीटेक बिरयानी वाला। अरे भाई बीटेक फिर क्यों करता है तुम, जब तुमको पता होता है तुम्हें चाय बनाना है, ठीक है अपना बिजनेस अच्छी बात है, बट ये क्या यार आजकल चल रहा है। भाई मैंने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का एक टिकट बुक कर लिया, एलबी नगर है भाई। आजकल कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, देखो ये सीढ़ी खाली पूरा और ये पूरा भरा हुआ। मैं भी आज मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पैर दुख रहा है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं एलबी नगर, जैसे मतलब इस मेट्रो को बोलते हैं। अब यहाँ से और दिखा रहा है, करीब 10 किलोमीटर है वो जगह जहाँ मेरे को जाना है। यहाँ से बस जाती होगी यार राजा मौली फिल्म सिटी सेंटर। राजा मौली फिल्म सिटी सेंटर के बस कहाँ से मिलेगा? अभी नहीं, बस कब पूछ रहे आगे से बस मिलेगी यार। मैं तब से राजा मौली बोल रहा हूँ जबकि रामोजी है यार, रामोजी फिल्म सिटी सेंटर। इतना बड़ा मिस्टेक। रामोजी फिल्म सिटी सेंटर। बस तो मिल गई यार। तो भाई दिल्ली की तरह यहाँ भी हैदराबाद में भी विमेंस के लिए टिकट फ्री है बस में। बस यहाँ पे क्या है ना, सबको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, आधार कार्ड नहीं होगा तो उनको पर टिकट लेना पड़ेगा। रे पहुँच गया भाई रामोजी फिल्म सिटी। इसका कैंपस तो सच में बहुत बड़ा है यार। हाँ इसका टिकट प्राइस तो बहुत महंगा है यार, 1300 प्लस GST, मतलब टोटल 1600। व्हाट इज दिस, ये फिल्म टूर का इतना बड़ा, मतलब इतना ज़्यादा पैसा क्यों? मैं तो सोचा था भाई 200-300 रुपये होंगे। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ घूमने, क्योंकि मैं जिस ट्रिप पर हूँ मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता ये सारी चीज़ों पे। खैर टिकट कितना भी महंगा क्यों ना हो, अब आ गया हूँ तो जाना तो बनता है। वेलकम भाई, मैंने अपने लाइफ का इतना महंगा टिकट लिया पहली बार, करीब 1600 का टिकट है भाई। सबसे पहले बस में बैठाकर हमें इस पॉइंट पर लाया जाता है जहां ऑडियंस को 4-5 शो दिखाया जाता है। सच में यार ये काफी बड़ा है, मतलब अपने आप में एक सिटी है ये,
रामोजी फिल्म सिटी। इस रामोजी मूवी मैजिक के अंदर इंटर करते ही मेरी नजर पड़ती है चार्ली चैपलिन सर पर, जिन्हें देखते ही मुझे कोटेशन याद आ गया, अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड, मतलब जिस दिन आप हंसे नहीं वो दिन आपका बेकार चला गया। इसके बाद मेरी नजर पड़ती है इन प्यारी गाड़ियों पर, लेकिन गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो हैंडल ही गायब था। इसके बाद हम फाइनली इंटर करते हैं लाइट कैमरा एक्शन हॉल के अंदर, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि आखिर एक मूवी बनती कैसे है। और हम इस स्टेज को कहते हैं शूटिंग स्टेज। We call this particular stage as the shooting stage, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम हमारी मूवीज की वीडियो शूट करते हैं। तो एक छोटा सा मूवी बनाना तो बनता ही है, तो उस मूवी का डायरेक्टर तो हूँ मैं, बट मुझे कास्ट चाहिए आप लोग में से। From the audience, I need 3 cast above the age of 18. Anybody is welcome. 18 साल के ऊपर कोई भी आ सकता है मेरे मूवी में एक्टिंग करने के लिए। So with the white shirt, please. मैं जा रहा हूँ भाई हीरो बन के। I'm Ramjit, I'm from Bihar. Let's see भाई क्या करना है यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस हाथ उठा दिया, मैं excited था। क्या करना हूँ? Now you three members are bank robbers. You're going to act in the film. Bank robbers? Yes. Oh my god. तो हमें एक्टिंग करना है बैंक रॉबर्स का, कि हम लोग बैंक से पैसे लूटकर भाग रहे हैं। तो भाई हमारा गेटअप कुछ ऐसा हो चुका है, और ये हमारे डायरेक्टर हैं, एज यू नो। मैं पहली बार इतने सारे ऑडियंस के सामने एक्टिंग किया, लेकिन मैं खुद को रिकॉर्ड करना ही भूल गया। वैसे मेरे कैमरे से तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ जो कैमरे लगे थे उससे रिकॉर्डिंग हुआ है, जो कि मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। कितना छोटे छोटे तरीके से माइंड सेट करके भाई बनाया जाता मूवी, मतलब मेरे को आज पता चला साउंड इफेक्ट कैसे जनरेट किया जाता है। माइंड ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग। तो फाइनली हमारा मूवी बनके कुछ ऐसा तैयार हुआ था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि एडिटिंग ढंग से नहीं हुआ था, जिसके कारण थोड़ा भी रियल नहीं लग रहा था। इसके बाद हम जाते हैं फिल्मी दुनिया हॉल के अंदर, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अच्छे गजब है यार। अरे अरे हेलो सर, कैसे हो आप? ओ मजा आ गया। ओ भाई साहब ये देखो घोड़े। हेलो, ये लग रहा असली का शो चल रहा है, हम उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि सच में है, लेकिन बट ये इफेक्ट है खाली। फिल्म दुनिया मेरे को बहुत पसंद आया यार। काफी अच्छा बना के रखा, वर्थ इट है। ये है वर्चुअल, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है वीडियो में कि रियल है पूरा। अब हमारा बच्चा है मतलब थर्ड शो, जो कि ओशियानिक शो। पहला हमारा था लाइट कैमरा एक्शन, फिर फिल्मी दुनिया, अब हमारा है ओशियानिक। यहाँ पे इतने सारे शो होते हैं भाई, देखो एक्शन थिएटर मैंने किया, फिर फिल्मी दुनिया मैंने किया, अब हम जाएंगे स्पेस यात्रा, उसके बाद बचा हुआ है ब्लैक लाइट शो, वाइल्ड वेस्ट स्टंट शो। इनसे पूछते हैं यार कि हमें किधर से जाना। भाई मैं पूछ रहा था स्पेस दुनिया किधर है, मतलब वो जो शो दिखाते हैं स्पेस दुनिया वाला। अच्छा बोल नहीं सकते, स्माइल कर सकते हो? चलो कोई बात नहीं, किसी और से पूछें। बाय बाय।
ख्याल रखो, ज्यादा धूप मत रहो यहाँ पे। रास्ते में मुझे दिखाई देता है टेलीफोन बूथ, जहाँ से मैं अपने चूतिए दोस्तों को कॉल करता हूँ, जो मुझसे उधार पैसे लेकर वापस नहीं दे रहे हैं। अपने दोस्तों को चार गाली देकर मैं इंटर कर जाता हूँ स्पेस यात्रा हॉल के अंदर। इसमें भीड़ नहीं है भाई, स्पेस यात्रा में भीड़ नहीं है, लोगों का स्पेस में जाना अच्छा नहीं लगता क्या? नाम क्या स्कूल का? जीकेआर। कहाँ से हो? हैदराबाद। कैसा लग रहा है? सो आप लोग चिल्ला रहे थे, मेरे पीछे से नोटिस कर रहा था आप लोग चिल्ला रहे थे, मैं पीछे से नोटिस कर रहा था। अच्छा लग रहा है? एक्टिंग करेगा? फेवरेट एक्टर कौन है? पुष्पा। पुष्पा फेवरेट एक्टर? तो फिल्म का नाम है ना, एक्टर एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन, ओके एंजॉय। हाँ बाय बाय, एंजॉय। हाँ ओ भाई साहब, अच्छा हमारा चेयर भी हिल रहा है भाई, ओ ग्रेट एक्सपीरियंस। वेलकम वॉयजर्स, ओ देयर यू आर, वेलकम टू योर स्पेस फ्लाइट एडवेंचर, स्कैनिंग फॉर इंट्रूडर्स। ओ भाई, ओ भाई, ओ 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 ऐसा लग रहा है कि सच में हम इसके अंदर पार है। मैक्सिमम 10 मिनट का सोता बट मजा आ गया। वर्चुअल टूर ऑफ स्पेस। अब मुझे वो बाहुबली का जो सेट है ना, वो मुझे देखना है भाई। क्या ही मजा आता है यार ऐसे। मैं लगता है कि अपने स्कूल में कभी भी ऐसे नहीं गया टूर पे, कोचिंग में भर गया था। क्या मजा आता है ग्रुप में जाने का, मजा ही कुछ और है। भाई यहाँ पे आना है ना तो थोड़ा पहले आओ, मॉर्निंग के टाइम में आओ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में हुआ क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी जाना है रूम पे, बहुत सारा काम पड़ा है यार। मेरे को साइकिल भी रिसीव करना है डिकैथलॉन से। ओ भाई ये क्या बना के रखा है पूरा। अब हम लोग फाइनली भाई जा रहे हैं स्टूडियो टूर के लिए। ऋतिक रोशन की 14 अक्टूबर मूवी आपको इस जगह मिलेगी, वो यहीं पे शूट हुई थी। अच्छा, आरआर मूवी का भाई शूटिंग यहीं पे हुआ था। सिंगल मॉडल डायरेक्टर को मूवी शूटिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए यहाँ इसमें आ गया। सिटी का रेलवे स्टेशन सेंट्रल जेल भी बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ओ भाई क्या इफेक्ट लगाया गया है। आरआर मूवी का जो मैक्सिमम जो सीन है ना भाई, जेल का सीन हो गया या फिर जैसे मतलब और भी सीन है रोड में, जो रोड वाला जो सीन है सारा इधर ही शूटिंग हुआ है। ये भाई तेरे ने सीन का मूवी का भाई यहाँ पे अभी काफ़ी सारे मूवी का शूटिंग भी चल रही है, जैसे पुष्पा 2 का भी शूटिंग चल रहा है अभी, लेकिन हम लोग अलाउड नहीं है वहाँ पे जाकर देखना कुछ भी, सब अंदर में सब कुछ हो रहा है। मूवी में चीज़ें कितना रियलिस्टिक लगती है बट देखो वर्चुअल में कितना ऐसे बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग आकर एक्ट करते हैं कैरेक्टर्स, कितना रियल लग रहा है, मतलब बिल्कुल रियल लग रहा है। और ये देखो भाई अभी मूवी का शूटिंग चल रहा है, ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहुबली सेट, ये मजा आने वाला है। भाई इसी जगह पे बाहुबली का शूटिंग हुआ है भाई, ये पूरा जगह। ये घंटा याद है भाई बाहुबली का? ये है क्या बजाने के लिए? नहीं है भाई, अरे भाई खोपड़ा यार। ये गेट तो याद होगा आप लोगों को भाई। देखो भाई एक 3 घंटे मूवी के लिए कितना बड़ा सेट बनाया गया है भाई, एक मूवी कैसे तैयार होता है भाई, कितना पैसा खर्च होता है। देखो भाई बाहुबली का सिंहासन। ये जेल तो याद होगा भाई मूवी का, इसी में बंदी हुई थी देवसेना।
भलाल देगा गाड़ी भाई। और कटप्पा कैसे है? मेरे को थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि यहाँ विजिट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं वेरी मॉर्निंग आता। अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास और देखने को बहुत सारी चीज़ है, मैं नहीं कवर कर पाऊँगा सारा। मेरे को मैं थक भी गया। तो जी हमने एक बाहुबली में सीन देखा था शिवलिंग उठाने का, वो वाला शिवलिंग मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। यहाँ पे लोग देवसेना की एक्टिंग कर रहे हैं, अभी वो जेल में चले गए। देखो भाई, अरे दो एक ही देवसेना, तीन देवसेना आ गई भाई। वो एक ही देवसेना थी यार, तीन देवसेना। अब क्या होगा, तीनों बंद हो जाएंगे क्या? वैसे देवसेना तो एक ही थी। ये वाला सीन तो भाई कोई नहीं भूल सकता। याद है कैसे बाहुबली लेकर इसको बाहर आता है और हाथी को रोकता है इसी से। अब यहाँ पे अंकल जोर लगा रहे भाई। अरे अंकल जोर लगाओ। अब अंकल से मोटिवेट होकर मैंने भी थोड़ा खींचने का प्रयास किया। ये है भाई बाहुबली दरबार है। अरे यार बाहुबली आधा आधा हो गया यार, मेरे को बुरा लग रहा है। इसके बाद पीता हूँ दो ग्लास दूध। अब देखो मैं जा ही रहा था तभी मेरी नजर पड़ती है इस झूले पर जहाँ से लोगों की चीखने की आवाज आ रही थी। अब मुझे भी चीखने चिल्लाने का बहुत मन कर रहा था तो मैं भी इस मौत वाले झूले का लुप्त उठाने चला जाता हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो जैसे ही मेरा टर्न आने वाला था मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। खैर फाइनली मैं अपने डर को दूर करते हुए झूले पर सवार होता हूँ और लगातार 2 मिनट तक आसमान की ऊंचाइयों में झूलता रहा जहाँ से मैं चीख चीख कर बस यही कह रहा था अब मुझे उतार दो। इस मौत वाले झूले पर बैठ कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निकल गया मेरा। अभी यार मैं कार चलाने जा रहा हूँ, अभी थोड़ा बच्चा बन गया हूँ मैं। Next drive car. मुझे ऐसा कार चलाने को मिला कि मेरा कार स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ये मुझे समझ में नहीं आता। बच्चों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। खैर फाइनली मुझे समझ में आता है कि इसे कैसे चलाना है। अब देखो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से हम गाड़ी चला नहीं पा रहे थे, या तो मैं किसी को ठोक दे रहा था या फिर 4 लोग आकर मुझे ठोक दे रहे थे। लेकिन मजा बहुत आ रहा था। जिस टाइप का मस्ती करने के लिए मैं एक दिन का ब्रेक लिया था वो फुलफिल रहा। भाई जब मेरे को समझ में आया कि इसे कैसे चलाना है तब टाइम खत्म हो गया। पर मजा आया। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर द विजिटिंग रामोजी फिल्म सिटी। थैंक यू, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस और फीडबैक हियर। थैंक यू। मेरा नाम रामजीत कुमार है, मैं ट्रैवलर ब्लॉगर हूँ और मैं अभी गाजनी टू कन्याकुमारी साइकिलिंग कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।